और दोस्तों, आपका आपके ही लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज बहुत ही सुंदर तिथि है, बहुत ही सुंदर दिवस है, शरद पूर्णिमा है। और शरद पूर्णिमा के साथ गुरु नानक देव जी का 550वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं अंक शास्त्र का एक बहुत ही सुंदर वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो से आप जान लेंगे आप लड़का लड़की, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी में सुंदर और अच्छे रिलेशन कैसे बने। इसको जानने का एक मैं बहुत ही सुंदर वीडियो दे रहा हूँ। इसको देखें, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको भेजें। धन्यवाद। देख दोस्तों, आज अंक शास्त्र के बारे में बात करते हैं। अंक शास्त्र का पहला अंक होता है, इसके स्वामी होते हैं सूर्य। आज हम पहले इस पे बात कर लेते हैं। इनके गुण दोष भी बताता हूं आपको मैं। इनके अंदर अहंकार, दृढ़ इच्छा की इनमें बहुत शक्ति होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। इनका विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। और दूसरे अंक के स्वामी होते हैं स्वयं चंद्रमा। इनके स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा का संबंध मन से है, हृदय से है, भावना से है और सहानुभूति से है। तीसरे अंक के स्वामी होते हैं गुरु या बृहस्पति। इनके जो गुण है, बुद्धि, सफलता, ये आपको सफलता दिलाने वाले होते हैं। चौथे अंक के स्वामी होते हैं स्वयं राहु। राहु, राहु को क्या बोलते हैं, किसी की कुंडली में अगर राहु आ गया तो उसको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, संपत्ति प्राप्त होती है। इससे इससे संपत्ति के भी अच्छे प्रादुर्भाव नजर आते हैं व्यक्ति की कुंडली में। पांचवा अंक होता है स्वयं बुद्ध महाराज का, इससे वाणी बोलते हैं, वाणी के स्वामी हैं। व्यवसायिक, व्यवसाय करने का बहुत ही अच्छा गुण होता है इनके अंदर। ये थोड़े ठिंगने होते हैं, गिट्ठे होते हैं, नीचे होते हैं, नाटे होते हैं। इसके बाद अंक आता है छठे अंक के स्वामी होते हैं स्वयं शुक्रदेव। और शुक्रदेव को क्या बोलते हैं, वैवाहिक संबंध, प्रेम, मोहब्बत के पुजारी होते हैं, कलाकार होते हैं, ये बड़े जबरदस्त। सातवां अंक होता है केतु का, केतु के अंक को साथ बोलते हैं। इसको तालमेल, किसी के साथ अगर केतु अच्छी दृष्टि में आ रहा है तो वो तालमेल, समझौता कराने में बड़ा माहिर होता है। और एक और खासियत होती है इनकी, ये शांति प्रिय भी होते हैं, केतु को शांति प्रिय भी बोलते हैं। और आठवां नंबर होता है शनि महाराज का स्वयं का, इनको बोलते हैं क्षीण शरीर। शनि को थोड़ा क्षीण, हल्का शरीर, कमजोर शरीर के बारे में काला शरीर बोलते हैं। आर्थिक रूप से भी इनको कमजोरी की निशानी मानते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं कहा जाता है, ऐसा विवरण होता है। और नवा होता है, नौ नंबर के, नौ जो हमारा अंक है वो स्वयं मंगल देव का है। युद्ध प्रिय होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं और इनके अंदर ऊर्जा भरी होती है, बहुत ही एनर्जी दायक होते हैं। अब आपको मैं ये सारी बातों के बाद अब बताने वाला हूं जो सुंदर बात, कि अगर आप वर एक नंबर अगर हैं आपका नाम, उसको भी जानने का मैं एक तरीका बताऊंगा आपको, कि आप अपना कैसे वो जाने। दोस्तों, अंक शास्त्र के आगे विवरण से पहले मैं आपको बताता हूं कि आपका कैसे आप जाने कि आपका कौन सा अंक है, यानी किस अंक के आप स्वामी बनते हैं नाम के अनुसार। जैसे ये मैं एक अक्षर लेता हूं नीलम। अब नीलम अक्षर के लिए ये कैसे जाने कि नीलम का कौन सा अंक बनता है, तो उसके लिए मैं पहले बता देता हूं। ये आप एक चार्ट नोट कर लीजिएगा, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ अंक होते हैं। इसके आगे अंग्रेजी की वर्णमाला के जो 26 अक्षर हैं वो हमने विद्वानों ने निकाला होगा, उसका विवरण मैं दे रहा हूं। पहले अंक के साथ आता है अग्नि, ये अग्नि से संबंधित है।
AIJQV, दूसरे अंक के साथ आता है BKR, और तीसरे अंक के साथ आता है CGLS, और चौथे अंक के साथ आता है DMT, पांचवा जो वायु का है इसका आता है EHNX, और छठे के साथ आता है V आता है और U आता है, ये UVW, और उसके सातवें अक्षर के साथ आता है O और Z, और आठवां जो होता है उसको बोलते हैं F और P। अब हम इसको आपको ज्ञान दे देते हैं कैसे निकालना है। N का जो अगर नंबर देखते हैं तो N कहाँ आता है, इनमें हम ढूंढेंगे पहले कि N अक्षर कहाँ आता है, तो N आता है पाँच, ये पाँचवें नंबर में है, N नज़र आ रहा है। E नंबर कहाँ पे आता है ये देखना पड़ेगा हमें, ई भी पाँचवें में आता है, ई भी पाँचवें में आता है। L अक्षर कहाँ आता है, L अक्षर तीन में आता है, A अक्षर वन में आता है, एक नंबर में आता है, अग्नि तत्व है ये, और M जो है उसको फिर चार देखते हैं। अब इसको हम जमा करेंगे, इसका अंक निकाल, पाँच पाँच दस, पाँच पंद्रह, सोलह सत्रह अठारह, उन्नीस बीस और तेईस। अब तेईस क्योंकि ये बड़ा अक्षर है तो दो जमा तीन करके इसका जो अंक निकलेगा, इसका अंक बोलेंगे, मूलांक बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो ये जो नीलम है ये वायु तत्व की राशि से प्रभावित है। अब दूसरा एक और कोई विवरण ले लेते हैं, हम एक और विवरण लेने के लिए किसी और का नाम लेते हैं, यहाँ हम उमेश नाम ले लेते हैं, UMESH, बोलते हुए अक्षर को लिया जाए जिस नाम से आप पुकारे जाते हैं। U बना छः, M को अगर ढूंढेंगे तो बना चार, फिर E ढूंढने के लिए हम आएंगे तो पाँच, और S ढूंढेंगे तो तीन, और H ढूंढेंगे तो पाँच। छः और चार दस, पाँच पंद्रह, पाँच बीस और तीन तेईस, टू प्लस थ्री यानी तेईस का हमने यहाँ तेईस अंक निकाला, तेईस बड़ा अंक है तो उन दोनों को जमा करा। ये उमेश भाई भी पाँच अंक के स्वामी है, ये भी अग्नि वायु तत्व की राशि है। उमेश और नीलम की शादी, नीलम के प्रेम, इस तरह के विवरण मैं देने की कोशिश करूँगा, और आगे वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत ही सुंदर विवरण मिल रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो असली वीडियो बनाया है हमने, उसका पर्पस निकालते हैं। आपने अपना जान लिया कि आप किस अंक के स्वामी से आपका मेल है और कैसे आपका अंक निकलना है, तो ये दोनों चीजें निकालने के बाद अब हम बताते हैं, वर अगर एक अंक का है यानी किसी मित्र की दोस्ती का अगर आपका एक अंक आता है तो उस एक अंक के लड़के के साथ अगर हम बात करें कि किस लड़की की दोस्ती हो सकती है तो उसके बारे में बताते हैं। एक नंबर अगर किसी का है, उसकी वधु का तीन पाँच सात नौ अगर अक्षर है तो बहुत ही उत्तम रहेगा, और अगर एक नंबर के क्रमांक के साथ वधु का एक ही आ रहा है, दोनों का एक ही समान, एक ही प्रतिस्पर्धा रहेगी, एक ही तरह के विचार रहेंगे, तो ये अक्षर अच्छा नहीं मानते, नॉट गुड, इसको बोलते हैं। और कन्या का नामांकन अगर दो है तो भी हम ये देखेंगे कि दोनों के बीच में तनाव रहेगा, दो अक्षर भी जो तनाव वाला रहेगा इसको भी हम गुड नहीं मानेंगे। दो भी राशि जो है अगर लड़की की है और इसकी एक है तो दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं रहेगा। तीन अंक आता है तो बहुत ही उत्तम रहता है, दोनों के बीच में प्रेम सफलता अच्छी रहेगी। चार अगर होता है तो चार में पति पत्नी के बीच विवाद रहेगा, परेशानी रहेगी। एक दो चार छः आठ, ये जो मैं अंक बता रहा हूँ ये नॉट गुड, अच्छे नहीं बोले जाते इनको, इनके लिए ये पाँचवीं लड़की का अगर किसी का है तो एक अंक वाले वर के साथ पाँचवीं सातवें नंबर के अंक की कन्या के साथ बहुत ही अच्छे सुखमय है वैवाहिक जीवन रहेगा। छः अगर आठ आता है तो इनके भी वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता की कमी रहेगी और कुछ ना कुछ झंझटबाजी रहेगी, दोस्ती प्रेम आगे परेशानी का कारण बनेंगे। वर का अगर अंक दूसरा दो नंबर आता है तो दो नंबर के अंक के जो हम बारे में बताते हैं, चंद्रमा का अंक है, इसके लिए जो उत्तम राशि है, उत्तम दोस्ती रहेगी, वो रहेगी दो चार पाँच छः आठ नौ राशि की लड़कियों के, नौ अंक की लड़कियों के साथ, और एक और सात जो है अच्छा नहीं मानते, और अगर किसी का तीन अंक है तो उसको हम एवरेज बोल लेंगे। इसके कारण भी ये हैं कि एक चंद्रमा की राशि है किसी की और वो अग्नि तत्व दूसरी राशि बन जाती है,
या और राशियां बन जाती है तो इनसे ये विवरण ठीक नहीं रहता। इसके बाद मैं आपको तीसरी राशि के बारे में विवरण देता हूं। वर का अंक अगर बनता है 3, तो 3 अंक का वर हो गया हमारा बृहस्पति से प्रभावित, बुद्धिमान है। इसकी अगर हम देखते हैं किस कन्या के साथ अच्छी दोस्ती बनेगी, तो ऐसे लोगों के लिए बनती है 1, 2, 6, 8, 9। एवरेज रहेगी इनकी 7वें नंबर के साथ, और 3, 4, 5 सारे अंक हमने ले लिए। इसके भी कारण ये होते हैं, कन्या के जो अगर 3, 4, 5 है तो अंक शास्त्र के अनुसार वैवाहिक जीवन दोस्ती में बहुत ही उत्तम नहीं होता। और अगर किसी का वर का अंक 3 है और 7 की लड़की से शादी हो जाती है, तो इसमें सुख और दुख का यानी एवरेज रहेगी, कभी दोस्ती होगी कभी झगड़ा होगा, तो इसलिए बस चलता रहेगा ऐसे ही। तो कन्या का विवाह अगर 3 नाम के पुरुष से भी हो जाता है तो भी एक जैसी दोस्ती, एक जैसी राशि के कारण प्रेम मोहब्बत में कमी रहेगी, अच्छा नहीं मानते। वर का अंक अगर 4 है तो 4 का अंक क्या हुआ, 4 का अंक हुआ राहु का, और राहु के अंक के बारे में ये कहते हैं हम कि राहु जो है आपका बहुत एक सुख देगा, अभी मैंने पहले बताया आपको। इसके 4 नंबर के दोस्तों के साथ वधु अगर लड़की जिसका अंक बनता है 2, 4, 5 एवरेज रहेगा 6 और 8 वाले, और 1, 3, 7 और 9 इनके लिए अच्छा नहीं मानते। इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। 2, 4, 5 अगर अंक है किसी का तो गृहस्थी दोस्ती प्रेम मोहब्बत बहुत ही सुंदर चलेगा। किसी चतुर्थ वर है और 6 और 8 के कन्या है तो उनके वैवाहिक जीवन में आर्थिक परेशानियों का बहुत ज़्यादा कारण होगा। अष्टम को वैसे ही अच्छा नहीं मानते, ये भी एक थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी चलता रहेगा, मतलब आगे गाड़ी खींचती रहेगी, आर्थिक परेशानियों से उतना ज़्यादा नहीं दिक्कत आएगी, चलेगा। लेकिन 1, 3, 7, 9 अगर है तो परेशानी का कारण बन जाता है। 5वां नंबर आता है अगर वर का, तो इसके लिए 1, 2, 5, 6, 8 जो अगर लड़की का अंक है बहुत ही उत्तम रहती है। और चतुर्थ और 4th और 7th अगर ये कन्या है तो ऐसे कन्या के साथ, ऐसी पत्नी के साथ मिला जुला असर रहेगा, कभी झगड़ा कभी कुछ, कभी कमी कभी सुख कभी दुख। और इसके अलावा अगर हमारे पास 3 और 9 आ जाता है तो 3 और 9 के साथ जो है थोड़ी परेशानी ज़्यादा रहेगी। इसका कारण ये है कि 3 और 9 की और 5वें की दोस्ती का कारण ये हो जाता है कि ये नरम है, एवरेज हो जाता है कई बार। और इसके बाद 6ठा वर अगर आता है, 6 नंबर का किसी का अंक लड़के का है, तो उसके लिए कौन सी वधु अच्छी रहेगी, 1 और 6 नंबर की और 2, 4 जो है ये अच्छे नहीं मानेंगे, और 3, 5, 7, 8 और 9 के अंक जो हैं ये एवरेज होंगे, कभी मिला जुला असर होगा, कभी दोस्ती कभी प्रेम कभी झगड़ा, इस तरह से चलता रहेगा। 7वां अंक जो होता है केतु का है, तालमेल समझौते का है। 7वें अंक का 1, 3 और 6 के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक रिलेशन रहेगा कन्या का, और अगर 5 और 8 और 9 की है तो थोड़ी सी परेशानियां रहेगी 5, 8, 9 में, एवरेज रहेगी 5, 8, 9 के साथ। और उसके अलावा 5, 8, 9 के अलावा 2, 4, 7 अगर है, 2 अंक है, 4 है, 7 है, तो अच्छा नहीं मानेंगे। वैवाहिक संबंधों में काफ़ी दिक्कत आ सकती है, दोस्ती में भी परेशानी हो सकती है। उसके बाद अंक आता है 8, शनि का अंक बोलते हैं इसको। अगर ये 8 शनि का अंक है और उसके बाद 9वां अंक आता है मंगल का, अगर इन अंक के लड़के हैं 8 और 9 अंक वाले, तो इनके लिए कौन सी लड़की अति उत्तम रहेगी इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। 8 के लिए 5, 6, 7 और 1, 2, 3, 6, 9 अंक वाली जो कन्या है ये बहुत ही उत्तम रहेगी, वेरी गुड एक्सीलेंट रहेगी। इसका कारण क्या होता है कि दोनों के अच्छे सामंजस्य रिलेशन बनेंगे। अगर इसमें थोड़ा गुस्सा है तो इसमें थोड़ा सा कमी रहेगी, तो दोनों का बैलेंस बना के अच्छा रिलेशन चलेगा। इसके बाद 8वें नंबर के लिए हम 2 और 3 नंबर बताते हैं, ये एवरेज नंबर है। इसको कभी हम धूप
और कभी छांव, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। और पांच और सात भी अंक जो है एवरेज है, बट इसके लिए चार और आठ अंक अगर आता है तो ये बहुत ही परेशानी का कारण बन सकता है। दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद होंगे और आठवें के लिए होगा एक चार नौ आठ, ये जो होगा वैचारिक मतभेद, आर्थिक प्रॉब्लम, हर तरह से इसमें शुभता की कमी रहेगी। अंक शास्त्र की ये जो मैंने बात बताई है, ये हमने आपको पुराने शास्त्रों की किताबों से उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हमने कोशिश की है, और ये कोशिश आप आगे भी अपने दोस्तों को दें। इसमें हमने काफ़ी अच्छी तरह से देखा है कि इसके रिजल्ट, इसके बारे में जो विवरण निकलता है वो काफ़ी अच्छा है। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहें, सुखी रहें, इसी अभिलाषा के साथ। धन्यवाद। नमो नारायण।